शिक्षा देती है। 25 अगस्त को अपने क्षेत्र द्वारिका में दिल्ली का देवा श्री गणेश का शोभा यात्रा करने जा रही है। क्या कुछ कहना है, देखिए दिल्ली से यह रिपोर्ट। मंदिर की स्थापना हुई है 20 मई 2005 में। उसके बाद ये मंदिर चल रहा है, ये हमारी माँ है, जिनकी इच्छा थी उन्होंने अपनी स्थापना करवाई। मंगलवार शनिवार कीर्तन होता है, शिवम म्यूजिक ये हमारी बेटी है, म्यूजिक चलाती है, ये कंपनी चलाती है, इसके अंडर बहुत लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं जो कीर्तन सुनते भी हैं और साथ करवाते भी हैं। और मई में इसका स्थापना दिवस मनाते हैं, 20 मई को जागरण होता है और 21 मई को भंडारा होता है। और एक शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि के अगले दिन भंडारा है। हम बहुत खुश हैं, हमारा आशीर्वाद हमारी बेटी के साथ है, ये अपने आप करेगी, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। कैसे कर रही है, किसको इनवाइट कर रही है, कौन आ रहे हैं, आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा, आपकी तरफ से क्या सहयोग, हमारी तरफ से तो यही सहयोग है, जो इसको जरूरत है मदद की हम मदद करेंगे इसको। चलो ठीक है, सक्षम इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रश्मि इंडिया और मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपने पास आने का। आगे रश्मि जी, नाम से ही पता चलता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ है, जैसे कि आपने बताया रश्मि इंडिया, रश्मि ये नाम क्या कहीं किसने दिया है या फिर घर वालों ने सोच के रखा हो? जी देखिए, बेसिकली मैं ब्राह्मण हूँ, शुक्ला हूँ, हम लोगों में तो संगीत को खैर दूर दूर तक नहीं जानते, बहुत कम मतलब, लेकिन मेरे को सोच थी कि मेरे को अपने धर्म से नहीं जानना, मुझे अपने देश से जानना है, भारत से जानना है। तो मैंने अपने नाम में इसलिए इंडिया लगाया। काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई इंडिया क्यों, आप के बाहर से आए हो या ऐसा क्यों, मैंने कहा नहीं, इंडिया क्योंकि मैं अपने इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ, अपने भारत से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई इंडिया और एंड आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया, तो हमने इसलिए अपने नाम के बाद में इंडिया लगाया। सर, जब ये मंदिर आपने बनाया था, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से आपने खुद ही अपने सहयोग से कैसे बनाया था थोड़ा सा उसको? ये अपने रिटायरमेंट ले ली थी मैंने डिफेंस हेडक्वार्टर में, प्रिंसिपल प्रोवाइस सेक्रेटरी था, वहाँ से मैंने रिटायरमेंट लेके ये माँ को मैंने वचन दिया था कि मंदिर बनाऊँगा, तो ये यहीं पे जमीन लेके यहाँ मंदिर बनाया। 2004 में शुरू किया था, 2005 में कम्प्लीट कर दिया। 2005 से 2017 आया, कुछ अभी भी सरकार या मेरे या फिर किसी निगम पार्षद की वजह से मंदिर में हमारा कुछ थोड़ा सहयोग होना चाहिए और इस मंदिर का और विकास होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी तक तो हमारी पेंशन आ रही है हम दोनों की, उसी से चला रहे हैं मंदिर के, जो भी जितना भी खर्चा हो रहा है सब उसी से चल रहा है। मंदिर के गुल्लक में डाल जाता है, उसी में से चल रहा है सारा। चलिए।